अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज बात करते हैं कि हिंदू धर्म में ये जो लफ्ज़ आता है ना भगवान, इसकी हकीकत क्या है, इसका माना क्या है। क्योंकि कहीं लोगों में ये भी मशहूर है कि देखें जी, भगवान का माना तो संस्कृत ज़बान में यानी कि भग का माना औरत की शर्मगाह है, और वान का मतलब वाला है यानी कि औरत की शर्मगाह वाला। तो जो शख्स भगवान का इतलाक़ यूँ ऐसे ही करे जैसे कि हमारे यहाँ लफ्ज़ खुदा का इतलाक़ होता है, तो उसने तो गोया कुफ्र किया है, तो काफिर हो गया, और उसे तजदीद ईमान करना होगा और निकाल लौटाना होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। अच्छा देखें जी, लफ्ज़ भग के हिंदी संस्कृत ज़बान में, हिंदी भी नहीं संस्कृत में, कोई एक दर्जन तो मतलब है। उस मतलब में से अपनी मर्ज़ी का एक मतलब निकाल के लोगों पर कुफ्र के फतवे लगाना, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। देखें जी, भग के क्या माने हैं संस्कृत में, अगर आप उठा के देखें ना, उनमें से एक मशहूर माना है सूरज के 12 शक्लों में एक शक्ल। अच्छा, इसी तरह चांद, इसी तरह शिव का रूप, इसी तरह मजहर यानी किसी का परतौ रिफ्लेक्शन, इसी तरह अच्छी किस्मत, इसी तरह खुशी मजबूती बुलंदो बाला मोहब्बत व शफ़क़त, बहुत सारे माने हैं लफ्ज़ भग के। अब वान का मतलब वाला यानी अच्छी किस्मत वाला, खुशी वाला, मजबूती वाला, बुलंदो बाला वाला यानी बुलंदी वाला, मोहब्बत व शफ़क़त वाला, तो इस तरह के मानी जो है वो इनके यहाँ आते हैं। इनमें से एक मानी जो है ना, ये इस तरह का भी मतलब निकलता है जिसमें औरत की शर्मगाह वाला, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि गलत तरीन माना ही लेके उसका इतलाक किया जाए, ये तो मक्खी बनने वाली बात है। अच्छा, लफ्ज़ वान का मतलब तो वाला है, जैसा कि होता है ना इनके यहाँ होता है बलवान, ताकतवर, ताकत वाला, हम वर का इस्तेमाल करते हैं, वान का इस्तेमाल करते हैं। अब जहाँ इस कदर वसा तो देखने में आए ना माना में, तो वहाँ एक मानी को लेकर नहीं बैठना चाहिए और इसके तलफ़ को कुफ्र गर्दानना, ये बड़ी जरूरत की बात है। और अगर इस मानिए में पर ही इसरार हो तो फिर इसे देवता या माबूद मानना क्यों कर दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि जिस तरह बलवान एक ताकतवर होता है बिल्कुल ठीक इसी तरह भगवान फर्ज वाली यानी एक मुतलक औरत या नारी, इस तरह का माना भी इसमें से निकलता है। इसके लिए देवता या माबूद का मफहूम अक्स करना अक्लन नकलन क्यों कर दुरुस्त हो सकता है, जबकि इनके अक्लन इनके यहाँ जो बड़े आप समझ लेना माहिरीन हैं बाएतबार तहज्जी और तलफ़ इसे 5 अनासिर से आज़ाद और मुस्तगनी सिफात के हामिल के लिए मुस्तामिल बताते हैं, यानी भा से भूमि मुराद यानी कि ज़मीन, इसी तरह भा पर हरकत ज़बर से अग्नि यानी आग, ग से गगन यानी आसमान, और व से वायु यानी हवा, नून से मुराद पानी नेर, इन तमाम अनासिर से वो कहते हैं कि लफ्ज़ माबूद जो है ये मुरक्कब है इन तमाम चीज़ों का, भा ज़बर गाफ और फिर वा से वायो और फिर नून से पानी। तो एक मखलूक की तरह इन मादी चीज़ों का वो मोहताज नहीं होता। तो अब आपको देखना होगा ना, किसी के ऊपर आप फौरन कोई स्टेटमेंट दे दें उससे पहले आपको तहकीक करनी होगी कि इनकी ज़बान में, क्योंकि वो अलग ज़बान है, हर ज़बान में एक चीज़ के कई माना होते हैं ना। अब देखना अरबी ज़बान में अब्बास भी शेर है और असद भी शेर है और हैदर भी शेर है, शेर के भी कई माने हैं ना, और इस तरह और अल्फाज भी हैं। इस तरह जो है ऊँट को जमल भी कहते हैं और ऊँट को इबल भी कहते हैं,
तो अब आपको देखना होगा कि किन माना में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, हम मौला अली करमल्लाहु वजहू को मौला कहते हैं, तो अब मौला का माना हज़रत अली के लिए क्या होगा और मस्जिद के मौलवी साहब के लिए क्या होगा? और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बारे में जब हम कहते हैं ना, तू हमारा मौला है, अंत मौलाना, उसमें क्या होगा? तो फ़र्क है ना, लफ्ज़ वही है लेकिन माना का फ़र्क। इसलिए अपनी मर्ज़ी से किसी के ऊपर इस तरह की बात कर देना फ़ौरन से कि उसमें से एक ऐसी चीज़ निकालना जो आपको तो खुश करती हो, दूसरे को इरिटेट करती हो, और फिर उसका प्रचार करना, ये अच्छी बात नहीं होती। इसी तरह इसके तावील कुनंदगान जो है ना, ये उनकी यहाँ तावीलात हैं वो बता रहा हूँ मैं। तो इसकी जो तावील कुनंदगान है वो ये भी बताते हैं कि भग से मुराद है जन्म स्थल यानी जाए विलादत, कि सारे जहान व संसार का वजूद जहाँ से दिखे वो ताकतवर हस्ती भगवान की है। तो अगर देखना ये होगा कि जो लोग इस ज़बान को बोलते हैं वो इसको किन माना में इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे कि वो उसको इस मानी में इस्तेमाल नहीं करते जिस जो मानी बताया गया है कि वो शर्मगाह वाली, बल्कि अगर देखा जाए कि वो लोग जो लफ्ज़ भगवान का इस्तेमाल करते हैं वो उससे मुराद एक ऐसी डीटी को लेते हैं जो तमाम इख्तियारात की मालिक है और उसी का तसव्वुर रखते हैं, तो एक मुसलमान के लिए बतौर ख़ास इनमें दावत के काम करने वाले के लिए इसके तलफ़ुस की गुंजाइश निकलती है। क्योंकि बसा औक़ात आप अपना मुद्दुआ समझाने के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो आम ज़बान में उस शख्स की ज़बान में इस्तेमाल होती हो। क्योंकि देखें ना, एक आदमी जो संस्कृत पढ़ा हुआ हो, अब तो खैर बहुत सारे अल्फाज हिंदी में अरबी के भी आ गए हैं, पता भी नहीं चलता वो अरबी बोल जाते हैं, लेकिन अगर आप संस्कृत उठा के देखें तो उसमें ऐसा मामला नहीं है। मिसाल के तौर पे वो कहेंगे ना दफ़ा 304 के तहत, ये दफ़ा क्या है? ये हिंदी का संस्कृत का वर्ड तो है नहीं, ये तो अरबी का वर्ड है। अदालत, अदालत क्या है? अरबी का वर्ड है। तलाक अरबी का वर्ड है। इस तरह बहुत सारे अरबी के वर्ड हैं जो इनके यहाँ मुस्तमल हैं। शराब ये अरबी का वर्ड है। तो इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं वो बोल जाते हैं, लेकिन एक आदमी अगर अरबी के अल्फाज से वाकिफ़ ना हो, जैसा वाकिफ़ का लफ्ज़ है, ये जानकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना हिंदी में, तो वो उसको पता ना हो तो फिर क्या होगा कि वो समझ नहीं पाएगा, आपको उसकी ज़बान में से कोई लफ्ज़ बोलना पड़ेगा तो फिर उसको बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए हर बात पर इतना जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड ना कर लिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।